वेल गाइज, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्लेज प्रोजेक्ट के 1.4 वर्जन के बारे में। और अगर आपको याद होगा तो मैंने ब्लेज के 1.3 वर्जन को भी अपने चैनल पर कवर किया था और उसमें मुझे काफी अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिल चुका था। अभी मैं आपको बताऊंगा उसी वर्जन का एक नया अपडेट आ चुका है। अगर आपने अपने कस्टम रोम को अपडेट नहीं किया है तो उससे पहले इस वीडियो को देख लो, बिकॉज जब आप इसे अपडेट करोगे तो शायद आपको यहाँ पर कुछ बग्स देखने को मिल सकते हैं। और यार, आप लोग कौन से तरीके से अपने डिवाइस को अपडेट करोगे ये भी मुझे नहीं पता है, तो उससे पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देख लो ताकि आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं या फिर आपको लगे कि 1.4 के अंदर ज्यादा फीचर्स हैं कि आपको इसे अपडेट करना ही होगा, तब जाके आप अपने डिवाइस को अपडेट कर लें। उसके अलावा यहाँ पर काफी मजा आने वाला है, बिकॉज मैंने सारे फीचर्स के बारे में डिटेल में बात की है ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने के लिए। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे सिंपली कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल वाले आइकन को भी दबा लेना ताकि आप लोग मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सको। तो हर बार की तरह मैं आप सभी को सबसे पहले कस्टम रोम के लुक के बारे में दिखाऊंगा कि आपका जो डिवाइस का लुक है वो किस तरह हो जाएगा जब आप लोग एक कस्टम रोम को अपने डिवाइस में यूज करोगे। तो आप लोग यहाँ पर जाहिर सी बात है देख सकते हो आपका जो डिवाइस है वो AOSP जैसा दिख रहा है। अगर आपने गूगल के पिक्सल डिवाइसेस को यूज नहीं किया है तो आप सभी लोगों को शायद इसके बारे में पता हो, लेकिन अगर आपने इसे इस्तेमाल किया है तो आप लोग इसे अच्छे से पहचान गए होंगे कि ये देखने में किस तरह लग रहा है। हालांकि यार यहाँ पर लुक काफी अच्छी है, आपको काफी मजा आने वाला है। उसके अलावा हम कुछ और फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। अभी जाहिर सी बात है काफी लोग ये सोचेंगे कि हमें इस कस्टम रोम के अंदर प्रीइंस्टॉल एप्लीकेशंस कौन सी देखने को मिलती हैं। तो भाई साहब, यहाँ पर आप इतना मत सोचो क्योंकि यहाँ पर गूगल की काफी बेसिक एप्लीकेशंस ही आपको प्रोवाइड की गई हैं जो आपके डिवाइस के लिए इनफ हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर प्ले स्टोर की सर्विस देखने को मिल जाती है अगर आप लोग जी एप्स बिल्ड को इंस्टॉल करते हो। अगर आप इसका वेनेला बिल्ड यूज करोगे तो आपको इसे अलग से इंस्टॉल करना होगा, लेकिन अगर आप लोग इसका जी एप्स यूज करोगे तो आपको इसके अंदर प्ले स्टोर मिल जाता है। और डेवलपर का कहना है कि आपको प्ले स्टोर दे दिया है और आपको क्या चाहिए, डेवलपर की जान? नहीं, वो तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन प्ले स्टोर मिल चुका है तो आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो जो आपको जरूरत है। अभी आप सभी लोगों ने ये तो सोच ही लिया है कि जी एप्स बिल्ड का एक फायदा तो है कि आपके डिवाइस के अंदर गूगल की कुछ एप्लीकेशन आ चुकी है जिन्हें आप लोगों को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका यहाँ पर जो डिवाइस है वो आउटडेटेड है, इसके अंदर जो भी गूगल की एप्लीकेशंस आपको दे रखी हैं वो पुरानी है, तो आपको सबसे पहले सारी एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना होगा ताकि आपको गूगल के जितने भी नए अपडेट्स आए हैं वो सारे के सारे आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएं और आपके डिवाइस में ये काफी अच्छे से काम करे। तो मैंने इसे पहले से अपडेट करके रखा है तो आप भी इसे अपडेट कर लें। देखो गाइज, हम सब ये जानते हैं कि मार्केट के अंदर गूगल के बहुत सारे अपडेट्स आते हैं और हर 10 दिन बाद गूगल की हर एक एप्लीकेशंस के अपडेट आते हैं, मगर फिर भी आपको यहाँ पर विजेट्स देखने को क्यों नहीं मिलते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, आप लोग अपने डिवाइस में गूगल की सारी एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हो, जिसका मतलब ये है कि आपके डिवाइस के अंदर एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल देखने को मिलती हैं, आप लोग उसी का सहारा ले रहे हो, उसी के विजेट्स को यूज कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि अगर आप लोग गूगल के सारे विजेट्स को चाहते हो तो आपको गूगल के लगभग सारी एप्लीकेशंस को अपने डिवाइस में डालना होगा, जो काफी बड़ी बात है। ऐसे में आप अपने डिवाइस में एप्लीकेशन डालोगे तो आपका डिवाइस यहाँ पर लैग हो सकता है, लेकिन हाँ, जो आपको विजेट्स देखने को मिलते हैं इनमें से नया कुछ भी नहीं आया है, कोई भी ऐसा नया विजेट्स आपके डिवाइस में ऐड नहीं किया गया है, तो ये अलग बात है। उसके अलावा अगर आप सभी एप्लीकेशन का विजेट्स चाहते हो तो आपको गूगल की एप्लीकेशन ही यूज करनी पड़ेगी। नाउ गाइस, हम बात करने वाले हमारे कस्टम रोम के कंट्रोल पैनल के बारे में, जिसे आप लोग QS पैनल के नाम से भी जानते होंगे। यहाँ पर नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी नाम से इसे बुला सकते हो, मगर इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अभी आप सभी लोग देखोगे Android 12 के अंदर जो विजेट्स आपको देखने को मिले हैं या फिर बात करें कंट्रोल पैनल की, तो वो जाहिर सी बात है सेम टू सेम है, तो यहाँ पर ज्यादा चेंजेस आपके डिवाइस के लिए की ही नहीं गई है, मगर आपको यहाँ पर सेटिंग के अंदर इसे चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब कि आप लोग
इस वाले जो भी है मतलब कि कंट्रोल पैनल है, इसे भी आप लोग अपने डिवाइस में कस्टमाइज कर सकते हो। हालांकि देखने में काफी अच्छा लग जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं होगा, मगर आपकी दिल की तसल्ली को यहाँ पर शांति मिल जाएगी यार कि हाँ आपका जो कंट्रोल पैनल है इसे भी आप लोग इसे कस्टमाइज कर चुके हैं और कस्टमाइज कर भी लोगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ शॉर्टकट मिल जाता है कि आप लोग अपने डिवाइस को बंद कर सकते हो यहाँ पर ही, क्योंकि कंट्रोल पैनल के अंदर आपको ये ऑप्शन दे रखा है। बाय चांस अगर आपके डिवाइस का बटन खराब हो जाता है, पावर बटन या फिर आप कहें तो कोई भी बटन खराब हो जाता है, तो आप लोग इसकी मदद ले सकते हो। काफी अच्छा यार, आप लोग एक बार इसे यूज करके देख लेना। नाउ मैं बात करने वाला हूँ हमारे डिवाइस की सेटिंग्स के बारे में। अभी मैं कोशिश करूंगा कि सेटिंग्स के अंदर जितने भी फीचर्स हैं आप सभी को एक एक स्टेप वाइज आपको मैं बता सकूं, ताकि आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो और आप लोग एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो कर पाएं। अभी यहाँ सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर देखेगा एक ऑनर का ऑप्शन। अभी काफी लोग सोचेंगे ऑनर के अंदर आपको मल्टी यूजर का ऑप्शन क्या है। अभी अगर आप लोगों ने इसे बिल्कुल भी यूज नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, ये मल्टी यूजर आपके डिवाइस के लिए काफी अच्छा है। आप लोग अपने डिवाइस में दो अकाउंट या फिर तीन अकाउंट को यूज कर सकते हो। अब ये अकाउंट्स का क्या चक्कर है, जैसे कि अगर आपके डिवाइस में काफी खासी अच्छी खासी प्राइवेसी है और आप लोग अपने बच्चों को डिवाइस देना चाहते हो या फिर उसके अंदर स्पेशली गेम्स करना चाहते हो या फिर किसी दोस्त को डिवाइस देना चाहते हो, तो आप लोग दूसरे अकाउंट के अंदर कुछ ऐसी एप्लीकेशन को ऐड करोगे जो आपकी सिक्योरिटी को हार्म ना पहुंचाए या फिर उनके लिए एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि आपका जो मेन डाटा है वो बचा रहेगा और जो दूसरा आपका डिवाइस भी यूज करेगा वो सिर्फ उतना ही डाटा यूज कर पाएगा जितना आपने उसे प्रोवाइड किया होगा, जितनी एप्लीकेशंस का एक्सेस आप लोगों ने उसे दिया होगा। तो ये काफी अच्छा फीचर है। मुझे नहीं पता कि आप लोग इसे यूज करते हो या फिर नहीं, लेकिन नहीं करते तो आप लोग इसे एक बार यूज करके देख लेना, काफी अच्छा है। उसके अलावा यार मैंने इसे काफी यूज किया है, मुझे तो ये काफी अच्छा लगा। नाउ बात कर ले हमें अपने डिवाइस के नेटवर्क एंड इंटरनेट के बारे में। अभी इंटरनेट यहाँ पर काफी मेन है। आप सभी को पता होगा इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं आप लोग यहीं से रीस्टार्ट कर सकते हो, आपको अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा वाईफाई और मोबाइल डाटा को कंबाइन किया गया है ताकि आप लोगों को यार अलग सेटिंग में जाने की जरूरत ना हो, और ये एंड्रॉइड 12 का सबसे बढ़िया फीचर लगा। उसके अलावा आप लोग अपने वाईफाई का पासवर्ड भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, और यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके डिवाइस यहाँ पर रूटेड है या फिर नहीं, तब भी आप लोग किसी का भी सेव्ड पासवर्ड यहाँ पर देख सकते हो। हालांकि ये फीचर काफी पुराना है, लेकिन फिर भी यार जो भी है मैंने आप सभी को यहाँ पर बता दिया है। नाउ बात कर ले आपके डिवाइस के अंदर वाईफाई कॉलिंग के बारे में। अभी मुझे नहीं पता कि आप कौन से सिम को यूज कर रहे हो, लेकिन आपको वाईफाई कॉलिंग हर एक डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाता है, हर एक कस्टम रोम के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर आपके घर में नेटवर्क का काफी इशू है तो आप लोग अपने वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो। आप लोग इससे काफी अच्छी खासी रेंज मिल सकती है आपको, और आप लोग किसी से भी कॉल पर बात कर सकते हो। ये मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन एक बात इसका अलग है यार, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इसके अलावा आप लोग अपने डिवाइस के कास्ट वाले ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी जिनको पता है जिनके घर में वाईफाई है तो एक वाईफाई के अंदर काफी डिवाइसेस कनेक्टेड हो जाती हैं। उसके अलावा अगर आपके डिवाइस मतलब आपके घर में एंड्रॉइड टीवी है तो आप लोग एंड्रॉइड टीवी को अपने डिवाइस से कनेक्टेड कर पाओगे, यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपको कोई वीडियो देखना है तो आप सिंपली मोबाइल पे क्लिक करोगे और वो वीडियो आपके एंड्रॉइड टीवी में चल जाएगा। तो ये काफी अच्छा तरीका है यार, काफी मजेदार है, बिकॉज मैं तो इसे काफी इस्तेमाल करता हूँ। आपको अगर ये मजा आता है तो आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ बात कर ले हमारे डिवाइस के साउंड्स के बारे में। अभी यार साउंड के अंदर ज्यादा फीचर्स तो ऐड नहीं किए गए हैं, मगर एक फीचर आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है नाउ प्लेइंग का। अभी यार ये वाला फीचर काफी अच्छा है, मगर मेरे डिवाइस में वर्किंग नहीं है। अगर आपके डिवाइस में ये वर्किंग है तो आपको यहाँ पर काफी मजा आने वाला है। अभी इस फीचर का मजा कैसे ले सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके जो नजदीकी कोई भी आपका दोस्त या फिर आपके फैमिली मेंबर्स जो भी गाना सुन रहे होंगे, सॉन्ग सुन रहे होंगे, तो आपको सिंपली इसे ऑन करना है, वो उस सॉन्ग्स को डिटेक्ट कर लेगा और उन सॉन्ग को यार फाइंड करके आपको दे देगा, और आपको उस सॉन्ग का नाम भी पता चल जाएगा कि वो कौन सा गाना सुन रहे थे, और आप लोग भी उसे सुन पाओगे। तो
बेसिकली यार ये तरीका आप लोग गूगल असिस्टेंट से भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास एप्पल है तो आप लोग सीरी का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे यार अलेक्सा भी इस काम में काफी मदद करती है। वैसे यार ये फीचर आपके डिवाइस में इम्प्लीमेंट किया गया था तो अच्छी बात है, मैंने आप सभी को इसके बारे में बता दिया है। अगर आपके डिवाइस में ये यूज हो रहा है काफी अच्छे से तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। उसके अलावा वॉल्यूम के अंदर आपको और कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पर काफी सेटिंग्स हैं जिन्हें आप इनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोग इसे करना चाहते हो या फिर नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से जो आपको डिफॉल्ट देखने को मिलता है उतना काफी है। उसके अलावा आप यहाँ पर ज्यादा पंगे मत लो, उतना ही काफी है यार। तो जितना डिफॉल्ट अच्छा होता है उतना कुछ भी अच्छा नहीं होता है, बिकॉज डेवलपर्स काफी सोच समझ कर ही आपको चीज प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत देखने को ना मिले। अभी यार बात कर लें एप्लीकेशंस के बारे में, तो एप्स के अंदर आपको दिखने को मिलता है डिफॉल्ट एप्स। अभी डिफॉल्ट एप्स किस काम आता है आप सभी लोगों को पता होगा। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ, लाइक आपने प्ले स्टोर से कोई लॉन्चर को डाउनलोड किया, अभी वो लॉन्चर आपको यहाँ पर लगाना है तो उसे आपको डिफॉल्ट करना होगा। तो आप यहाँ पर जाके उस लॉन्चर को सेलेक्ट कर सकते हो ताकि आपका जो डिवाइस है उसे डिफॉल्ट समझे। और ये काफी अच्छा तरीका है कि आप अपने डिवाइस के अंदर एप्लीकेशन को रिप्लेस कर सकते हो। उसके अलावा आपको देखने को मिलता है गेम स्पेस। अभी गेम स्पेस किस काम आता है इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी गाइज मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आप लोग अपनी फेवरेट गेम को ऐड कर सकते हो। और अगर आपके गेमिंग के टाइम किसी का कॉल आता है या फिर किसी का मैसेज आता है, आप सिंपली उसे साइलेंस मोड पे लगा सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि आप लोग गेमिंग अपने घर में करो, ऐसा ना हो कि आप बाहर करोगे और घर वाले आपको कॉल कर रहे होंगे और आपका डिवाइस यहाँ पर रिस्पॉन्स ना करे तो आपकी शामत तो पक्की है। उसके अलावा बात करें गूगल असिस्टेंट की, तो आप लोग अपने डिवाइस में गूगल असिस्टेंट को यहाँ पर इनेबल कर सकते हो अगर आपको गूगल असिस्टेंट काफी अच्छा लगता है तो। देखो यार मैं अपने डिवाइस में गूगल असिस्टेंट को यहाँ पर फॉलो नहीं करता हूँ, एक्टिवेट नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे इसका कोई काम नहीं होता है, क्योंकि हाथ ही काफी तेज है गूगल असिस्टेंट से, हमें क्या लेना देना। उसके अलावा यार बात करें आपके डिवाइस की स्क्रीन टाइम की, तो आप लोग कितना डिवाइस यूज करते हो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। नाउ यार मैं बात करने वाला हूँ आपके डिवाइस के नोटिफिकेशन के बारे में। अभी नोटिफिकेशन के अंदर आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो मुझे यार यहाँ पर काफी अच्छी लगी। लाइक आपके डिवाइस में एक फीचर आया था, जैसे कि कोई आपको कॉल करेगा तो आपकी जो बैक लाइट है वो चलेगी, वो आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर ले हम अपने फोन की बैटरी बैकअप के बारे में। अभी यार मैंने अपने डिवाइस का जो बैटरी बैकअप है वो काफी अच्छा कर लिया है, क्योंकि मुझे यार मेरे डिवाइस के अंदर जो बैटरी थी इसे रिप्लेस करवानी थी और मैंने इसे रिप्लेस करवा लिया है। रिप्लेस करवाने के बाद जो मुझे बैटरी बैकअप देखने को मिलता है वो भाई साहब काफी इनसेन है यार। और अगर आपकी डिवाइस की बैटरी काफी अच्छी है, काफी हेल्थ है इसकी, तो आप लोग इस बैटरी बैकअप का मजा ले सकते हो और आपको यहाँ पर फील होगा कि वाकई में यार इस कस्टम रोम में बैटरी बैकअप को लेकर काफी अच्छे से ध्यान दिया गया है। नाउ बात कर ले हम अपने डिवाइस के स्टोरेज के बारे में, तो स्टोरेज काफी कम है, सिस्टम की सिर्फ 4.2 GB ही आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा आप लोग अपने डिवाइस में कितनी सारी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करोगे, इमेजेस होंगी आपकी, वीडियोस होंगी, गेम्स होंगी, वो सब कुछ आपका मैटर करेगा। तो आप ध्यान से देखो कि आपका डिवाइस कितने जीबी वाला है और कितना स्टोरेज आपका यहाँ पर आपका डिवाइस लेगा। उसके बाद यार यहाँ पर बात करें और भी यार वैसे काफी फालतू फीचर्स हैं जिसके बारे में मैं कभी बात भी नहीं करता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर OTA अपडेट का सपोर्ट देखने को मिलता है। मगर इसके अंदर आप इसे यूज करोगे तो OTA अपडेट इतना अच्छा नहीं होता है जितना कि मैनुअल होता है। तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग अपने डिवाइस को OTA अपडेट के सहारे अपडेट करें। बाकी यार गेस्टर्स की बात करें इस डिवाइस के अंदर ना, सॉरी इस कस्टम रोम के अंदर गेस्टर्स काफी अच्छी है। हालांकि यार लगभग सारे गेस्टर्स आप लोग अपने डिवाइस में यूज कर सकते हो, हालांकि मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, मगर आपको ये गेस्टर्स पसंद आते हैं तो आप सारे गेस्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपके डिवाइस में काफी स्टेबिलिटी के साथ यूज होगा और आपको भी काफी मजा आने वाला है। तो मुझे काफी मजा आया, आई होप कि आपको भी इसके अंदर मजा आया हो। हालांकि सेटिंग्स का यहाँ पर मैं खत्म करने वाला हूँ और भी कुछ दिखाऊंगा आगे चल के, बट फिलहाल के लिए सेटिंग के अंदर इतने
नए फीचर हैं। नाउ गाइज मैं बात करने वाला हूँ वॉलपेपर एंड स्टाइल के बारे में। अभी आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, गूगल की तरफ से जो भी वॉलपेपर्स आते हैं वो सभी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर जितने भी वॉलपेपर्स हैं वो एकदम लिमिटेड हैं। आपको यहाँ पर अनलिमिटेड या फिर ऑनलाइन वॉलपेपर्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो कहने का मतलब है अगर गूगल की तरफ से कोई नए अपडेट्स आएंगे वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। और मैंने यहाँ पर चेकआउट किया है, जितने भी वॉलपेपर्स हैं वो 10 या 12 वॉलपेपर्स ही हैं, इसके अलावा कोई वॉलपेपर्स नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ सकती है वॉलपेपर को लगाने के लिए। नाउ बात कर ले हमारे डिवाइस के थीम्ड आइकन के बारे में, तो यहाँ पर ये काफी अच्छे से वर्किंग है। उसके अलावा आप लोग अपने डिवाइस के मॉनिट को भी यूज कर पाओगे। अभी मॉनिट से आप लोग अपने डिवाइस के पूरे कलर्स को चेंज कर सकते हो, जो काफी अच्छी चीज है और आपके डिवाइस को एक नया लुक भी प्रोवाइड करती है। हालांकि यहाँ पर कुछ और भी फीचर्स हैं कलर्स को लेकर, जो 4 कलर्स आपके डिवाइस के अंदर कंबाइन हो जाएंगे। ये तो सिर्फ एक सिंपल कलर्स है जो आप लोग अपने डिवाइस में लगाओगे। हालांकि यहाँ पर आप सभी को पता है ये सारे फीचर्स काफी पुराने हैं, जब एंड्रॉइड 12 लॉन्च किया गया था तब से हैं। तो इसके बारे में लगभग सभी को पता होगा, तो इसके बारे में मुझे लगता है मैंने बताकर टाइम ही वेस्ट किया है, लेकिन फिर भी आप जो नए हैं वो इसके बारे में जान लो। वेल गाइस मैं बात करने वाला हूँ आपके डिवाइस के सबसे इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में। अभी आप सभी लोगों को पता होगा एक कस्टम रोम के साथ उसकी सिक्योरिटी कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके कस्टम रोम के अंदर आपके डिवाइस की बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं होगी तो आप लोगों को वो कस्टम रोम पसंद नहीं आएगी। बिकॉज आप सभी को पता है आज के समय में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है डाटा, और अगर आपका डाटा किसी गलत हाथों में चला जाता है तो आप सभी लोगों को काफी परेशानी होती है, और ये बात मैं समझ सकता हूँ। उसके अलावा मैं बात करूँ आपके डिवाइस की सिक्योरिटी के बारे में, तो आपको यहाँ पर फेस अनलॉक का फीचर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आप लोग अपने डिवाइस में फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। पैटर्न लॉक या फिर पिन लॉक तो आपके डिवाइस में लगेगा ही, उसके अलावा आप लोग इन सारे फीचर्स का मजा ले सकते हो। हालांकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अपने डिवाइस के अंदर लॉक लगाते हो तो ये सारे फीचर आप लोग यूज करोगे। एंड आपको एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, इस कस्टम रोम के अंदर आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो और आपको यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है। और इन डेवलपर्स ने यहाँ पर काफी अच्छे से ध्यान दिया अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और काफी अच्छी खासी सर्विस आप सभी को प्रोवाइड की है, और मुझे लगता है कि आपके लिए ये काफी अच्छा है और आप लोग इसे भी यूज करना पसंद करोगे। नाउ यार यहाँ पर बात करें कुछ और फीचर्स की स्मार्ट लॉक के बारे में, तो यहाँ पर इतना ज्यादा अच्छी बात नहीं है कि आप लोग इतनी सिक्योरिटी करोगे, तो इसको गोली मारो, छोड़ो यार इसको, जितने मैंने आपको फीचर बता दिए हैं उतने काफी हैं। नाउ यार यहाँ पर आप लोग अपने सिम की सेटिंग्स को लॉक कर सकते हो। अगर आपको याद होगा जब पुराने फोन्स थे नोकिया के, तो अगर उसमें सिम कार्ड का जो लॉक था वो लग जाता था तो कसम से यार पूरा फट के हाथ में आ जाती थी कि अब क्या होगा। वही सेम सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर आप पुराना एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो आप एक बार इसे एक्टिवेट करके देख सकते हो। नाउ गाइस हम बात करेंगे ब्लेज हाउस के बारे में। अभी अगर आपको नहीं पता है ब्लेज हाउस क्या होता है, तो किसी भी कस्टम रोम अगर आप यूज करोगे तो उनमें से कुछ ऐसी सेटिंग्स होंगी, ऐसे फीचर्स होंगे जिन्हें साइड से इनेबल करना पड़ेगा, जो आपके डिवाइस में एक अलग सी लुक देंगे और आपके डिवाइस में आपको यूज करने में काफी मजा आएगा। अलग अलग फीचर आप लोग यहाँ पर इनेबल कर सकते हो, वो सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप लोग अपने डिवाइस के फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। जो भी आपको यहाँ पर फॉन्ट पसंद आता है तो आप लोग सिंपली यहाँ पर इसे ऐड कर सकते हो, आपका डिवाइस उस फॉन्ट पे यहाँ पर वर्किंग हो जाएगा। और फ्यूचर में इसके लिए और भी फॉन्ट आने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप लोग ब्लेज के सारे अपडेट को अच्छे से यूज करो, ताकि आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले। हालांकि जितने फॉन्ट आपको दिए गए हैं उतना आपके डिवाइस के लिए काफी है। नाउ बात कर लें आइकन पैक्स की, तो आप लोग अपने डिवाइस के स्पेसिफिक आइकन्स के यहाँ पर पैक्स को चेंज कर सकते हो, जो आपको पसंद आता है। जो भी आपको आइकन पसंद है आप सिंपली क्लिक करो, आपके डिवाइस के जो आइकन्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, जो काफी अच्छी बात है। उसके अलावा बात करें सिग्नल आइकन्स की, तो आपको पता होगा कि हर एक आइकन का अलग अलग इंटरफेस होता है, तो आप लोग एक एक चीज को यहाँ पर चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सिग्नल को चेंज कर लिया है, जो आप लोग देख सकते हो। नाउ बात कर लें आइकन पैक्स की, तो यार आइकन पैक्स ने आपने देख ही लिया है कि आप लोग अपने डिवाइस के आइकन पैक्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। नाउ यार यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ वाईफाई के आइकन पैक। अभी वाईफाई हो चुका है, सिग्नल हो चुका है, आइकन्स हो चुके हैं, तो आप लोग समझदार हो कि तीन सभी चीजें हैं जो मेन हैं, उन सभी के हम आइकन्स को चेंज कर सकते हैं, जिसका इंटरफेस या फिर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन पैनल
के अंदर। नाउ बात कर लें आइकन शेप्स की। अब यार यहाँ पर आप लोग अपने डिवाइस के आइकन्स को काफी शेप्स दे सकते हो और यार यहाँ पर ना काफी ज्यादा शेप्स ऐड की गई हैं और मुझे लगता है इतनी शेप्स आपके डिवाइस के लिए इनफ हैं। और अगर आप और भी ऐड करवाना चाहते हो तो आप फ्यूचर तक इसका वेट कर सकते हो, जब भी इसके नए अपडेट आएंगे तो आपको यहाँ पर काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। नाउ यार स्टेटस बार है ना जो, इसके अंदर आप लोग काफी चेंजेस कर सकते हो। अब यह स्टेटस बार आइकन्स हैं इसके अंदर, तो चलो जो भी है वैसा रहने दो, इसके अंदर और कुछ भी मत करो। मेरे को ऐसे लग रहा है कि आप इसके अंदर कुछ भी मत करो सही है। आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर ट्रैफिक इंडिकेटर्स के बारे में। अभी आप लोग अपने डिवाइस के अंदर इंटरनेट को यूज करते हो तो इसकी स्पीड कितनी आ रही है, तो आपको यहाँ पर स्टेटस बार के अंदर देखने को मिलेगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो ये इनेबल बहुत अच्छे से किया गया है, मतलब कि काफी लोग इसे इनेबल करने के लिए इस सेटिंग को ओपन करते हैं। और ये वाला जो फीचर है वन ऑफ द बेस्ट फीचर है सभी डिवाइसेस के अंदर और सभी लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। नाउ बात कर लें क्लॉक एंड डेट के बारे में, तो आप सभी को पता होगा आप लोग अपने क्लॉक एंड डेट को यहाँ पर इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं है कि लेफ्ट में जाए तो आप लोग इसे राइट में कर सकते हो, सेंटर में कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे करोगे। बाकी आप इसके अंदर AM PM भी ऐड कर सकते हो। नाउ यार यहाँ पर बात करूं मैं बैटरी के स्टाइल्स के बारे में। अभी यार अगर आप लोग बैटरी बैकअप को बैटरी के आइकन्स को देखते हो तो आप लोग बोर हो चुके होगे पुराने आइकन्स को लेकर। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर काफी नए नए आइकन्स को ऐड किया गया है जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। तो यहाँ पर काफी अच्छे खासे आपको बैटरी के आइकन्स देखने को मिल जाते हैं जिसे आप लोग सिंपली इनेबल कर सकते हो अपने डिवाइस के अंदर, और ये काफी अच्छी चीज है। आप लोग अपने डिवाइस के इंडिकेटर्स को चेंज कर सकते हो, बैटरी के आइकन्स को चेंज कर सकते हो, सिग्नल को चेंज कर सकते हो, मतलब कि पूरा कस्टमाइज कर सकते हो यार। और आपको क्या चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इतने फीचर दे दिए हैं वो काफी अच्छी बात है। उसके अलावा आपको यहाँ पर जब नीचे जाओगे तो और भी कुछ फीचर आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि आपको वोल्टी के आइकन को चेंज करने का ऑप्शन, या फिर बात करें जो वाईफाई कॉलिंग होती है वोल्टी की, उसके भी आपको आइकन चेंज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन यार मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ज्यादा चेंजेस ना करें, क्योंकि ऐसे में आपका डिवाइस यहाँ पर लैग हो सकता है और आप सभी भी ये जानते हैं। तो जितने फीचर आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो उतना करो, वो आपके डिवाइस के लिए इनफ है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लेज हाउस के अंदर ना बहुत सारे फीचर्स हैं। अभी मैं सब तो आपको करके नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जितना बता सकता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझे लगता है इतने फीचर आपके डिवाइस के लिए इनफ है, और जो एंड्रॉइड 13 आएगा इसके ऊपर काम चालू हो चुका है और इसके अंदर भी बहुत सारे फीचर्स को ऐड किया जाएगा। और यार यहीं पर आपको बैकलाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, जब भी आपको कोई मैसेज करेगा, कॉल करेगा, सब कुछ आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। और ये फीचर मुझे काफी अच्छा लगा, और ये नया फीचर है जो इसके अंदर ऐड किया गया है, और अगर आपको पता हो तो आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अभी यार कुछ फीचर ऐसे हैं जो आप लोग यूज तो करोगे वो एकदम से यहाँ पर चेंजेस नहीं करेंगे, इसके लिए आपको अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करना होगा। और आप सभी भी ये जानते हैं कि यार इतना तो आपको करना ही होगा, बिकॉज आप लोग अपने कंट्रोल पैनल की ट्रांसपेरेंसी को कम या बढ़ा सकते हो। और ये वाला वो फीचर है जो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके डिवाइस के फ्लैश लाइट को ब्लिंकिंग करवाएगा कि आपको कॉल आएगा या फिर आपने कॉल लगाया है, मैसेज आया, ये वो मतलब सब कुछ आप लोग इसी सेटिंग की मदद से कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्लेज हो चुका है, एवोल्यूशन एक्स हो चुका है, अवेकन OS हो चुका है, मतलब जितने भी कस्टम नॉर्म्स हैं उन सभी के अंदर आपको ऐसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जिससे आप लोग अपनी कस्टम नॉर्म को कस्टमाइज कर सकते हो। नाउ आखिरी में आपको आपके सेटिंग के अंदर देखने को मिलेगा अबाउट का ऑप्शन। अभी आप सभी को पता है अबाउट के अंदर आपके डिवाइस की सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी कि आपके डिवाइस के अंदर कौन सा वर्जन चालू है, या फिर आप कौन से सिक्योरिटी पैच को यूज कर रहे हो, और स्पेशली आप लोग कौन से एंड्रॉइड वर्जन को यूज कर रहे हो, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग अपने डिवाइस के एंड्रॉइड वर्जन को चेकआउट करोगे तो आपको यहाँ पर ईस्टर एग भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप लोग जान पाओगे कि आपके डिवाइस के अंदर कौन सा वर्जन अभी चल रहा है। उसके अलावा आप लोग अबाउट के अंदर अपने डिवाइस के मेंटेनर का नाम देख सकते हो, अपनी कस्टम रोम का वर्जन देख सकते हो, अपने सिक्योरिटी पैच देख सकते हो, इसका कर्नल वर्जन कौन सा है, सब कुछ आप यहां पर देख सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोग अबाउट फोन के अंदर जाकर अपने डिवाइस की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो।
नाउ हम बात करने वाले हैं कि हमारा डिवाइस कंपेटिबल है बैंकिंग एप्लीकेशन को चलाने के लिए या फिर नहीं। तो जी हाँ गाइस, आपके डिवाइस का सेफ्टी नेट पास है, जिसका मतलब है कि आप लोग अपने डिवाइस के अंदर बैंकिंग एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हो। और यार यहाँ पर आपको कोई भी पैच वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये बाय डिफॉल्ट पास आता है। तो आपको यहाँ पर कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। इनफैक्ट आप लोग अपने डिवाइस में सभी बैंकिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल काफी अच्छे से कर पाओगे और आपका डिवाइस यहाँ पर फुल्ली सिक्योर है, इसलिए आपका डिवाइस का जो सेफ्टी नेट है वो पास है। तो आई होप कि आपको इसके बारे में पता हो। नाउ गाइस, फाइनली मैंने सभी कुछ आपको इस रोम के बारे में बता दिया है और मेरी तरफ से आपको पूरा रिव्यू मिल चुका है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप लोग अभी भी पूछ सकते हो, बिकॉज कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। उसके अलावा आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप लोगों की हेल्प अच्छे से हो पाए। और यार गाइस, ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है ये मैं जानता हूं, लेकिन मुझे आपको यहां पर सारे फीचर्स के बारे में बताना था, एक्सप्लेन करना था, तो इतना वीडियो लंबा हो जाएगा मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अभी हो चुका है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से पूरा रिव्यू मैंने आपको दे दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग मेरी वीडियोस को आने वाले समय में देख सकते हो जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो जल्दी से पूछ लो। उसके अलावा अगर आप मुझे कोई नई रोम के बारे में बताना चाहते हो जिसका रिव्यू आपको चाहिए, तो सिंपली कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो ला दूंगा। तो फिलहाल गाइस, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग आने वाले समय में सारी वीडियोस को देख पाएं।